वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे मोटो G45 5G स्मार्टफोन को मोटो G85 5G स्मार्टफोन के साथ में। और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि G45 के अंदर हमें 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ G85 के अंदर हमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना सिर्फ और सिर्फ G85 की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि यहां पर हमें कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिल रही है, भी अच्छी बात है जो कि एकदम ही बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। लेकिन यार ये G45 की तरह नहीं कि सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले देके भाई काम ही मुका दिया। दोस्तों बिल्कुल एवरेज डिस्प्ले आपको G45 के अंदर देखने को मिल रही है, भाई ध्यान रखिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स यहां पर हेलो UI पर भी बेस्ड है। थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स आपको जरूर से देखने को मिलेंगे लेकिन आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें चिपसेट की तो दोनों फोन्स के अंदर हमें Snapdragon 6S Gen 3 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है, लेकिन गेमिंग का ज्यादा बढ़िया मजा आपको G85 के अंदर ही आएगा क्योंकि यहां पर डिस्प्ले आपको बढ़िया वाली मिल रही है। या तो एवरेज डिस्प्ले देके काम ही मुका दिया। और यार एंटीटू स्कोर यहां पर दोनों फोन्स का आता है 4,70,000 के करीब। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे G45 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ G85 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों G45 का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई अच्छे डिटेलिंग के साथ में फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको बिल्कुल ही बढ़िया फोटोज क्लिक करनी है ना, मतलब प्रोसेसिंग एकदम बिल्कुल बेस्ट, तब आप यहां पर डेफिनेटली G85 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का भाई बहुत बढ़िया तरीके से प्रोसेसिंग करता है और क्या जबरदस्त फोटोज क्लिक करता है। कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें यहां पर अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा मिल रहा है भाई जो कि काफी अच्छी बात है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन में यहां पर फर्क है क्योंकि G45 सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ G85 यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है जो कि काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो G45 के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ G85 के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों सेल्फी लवर के हिसाब से वैसे तो भाई G45 भी बढ़िया है, लेकिन यार एकदम बढ़िया डिटेलिंग के साथ में अगर आपको सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है ना, तब आप यहां पर डेफिनेटली G85 की तरफ ही जरूर से जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जिंग में यहां पर भाई फर्क है क्योंकि G45 सिर्फ 18 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ G85 यहां पर 33 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसलिए दोस्तों ज्यादा बढ़िया फास्ट चार्जिंग चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली G85 की तरफ जरूर से जाइए। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें G45 के अंदर दिया गया, लेकिन यार G85 के अंदर हमें नहीं दिया गया। और साथ ही दोस्तों दोनों फोन यहां पर स्टीरियो स्पीकर्स के भी साथ में आते हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो G45 के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ G85 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि G45 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ G85 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ G85 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि 14,000 आप इस पर भी तो खर्च रहे हो ना, एक बेकार सा फोन है भाई, इसे तो मत ही लेना। तो भाई कुछ पैसे और एक्स्ट्रा लगा के ना एकदम बढ़िया वाली डील ले लो आप यहां पर जो कि G85 है। तो बस दोस्तों यही तो मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।